ये तुम्हारे लिए, अब तुम बड़ी जो हो गई हो। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। पीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। പ്രോബ്ലം ആയല്ലോടാ, നീ പോയി മറ്റേ എടുത്തിട്ട് വന്നേ. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, ആ റെഡിയല്ലേ? सुमानी टाइल्स विद पेटेंटेड वीसी शील्ड हार्ड कोर टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंडिया में सिर्फ फोर्स ही चलता है। फोर्स वन, बी द फोर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। और हम बात ये कर रहे हैं कि प्रयोगशालाओं में जो भी नई तकनीक की खोज होती है वो किसान तक और खेतों तक किस हद तक पहुंच पा रही है और क्या कुछ किए जाने की अभी ज़रूरत है। देवेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ बने हुए हैं और अजय जाखड़ साहब भी, जो कृषक समाज के प्रेसिडेंट हैं, इनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा, पहले आप जैसे कि कह रहे थे कि अपने देश की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सरकार फिलहाल जिस रास्ते पे है या ज़्यादातर किसान जिस रास्ते पे हैं कि हम आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी सामने आती है, जैसे पिछले 5-10 सालों में जो भी, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हों, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हों, ये जब देश में आते हैं इनका बहुत पुरजोर विरोध होता है, वो तो सबकी जानकारी में आता है, लेकिन क्या इनसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या इनसे यील्ड बढ़ रही है जहाँ जहाँ भी इनका इस्तेमाल किया गया हमारे देश में? देखिए, ये एक तरह का जो कंपेन होते हैं कंपनियों की तरफ, सरकार की तरफ से, वो तो होता है कि भाई टेक्नोलॉजी बड़ी उपयोगी है, इसको किसान ले। लेकिन मेरा सिर्फ एक बात कहनी है कि एक तरह का, जैसे महाभारत में एक चक्रव्यूह रचा गया था जिसमें अभिमन्यु की मौत हो गई थी, चाहे जितना भी वीर था वो, जितना भी बहादुर था, वही हाल आज किसान का है। ये उसके आसपास एक चक्रव्यूह फेंका गया है जिसमें सिर्फ ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, मैकेनिकल इनपुट्स, ये सब बेचने वाले जो हैं ये उसके पीछे लगे रहते हैं और उस आदमी को, किसान को धकेला जाता है चक्रव्यूह के अंदर। मेरा ये कहना है कि अब टाइम ऐसा आ गया है कि हम रिसर्च जो प्रायोरिटीज हैं हमारी उसको बदलें। आज तक हमारी रिसर्च होती है केमिकल इनपुट्स के बेस के ऊपर, उसका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर फाउंडेशन जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर है, ये पेस्टिसाइड है। अब हमें बदलकर ऑर्गेनिक बेस पे काम करना है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक प्लांट ब्रीडिंग जो है उस पर ध्यान देना है। और अगर हम वो करेंगे तो, और देश में इतने सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जिसको कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ले सकते हैं। आज तक हमने लैब टू लैंड किया है, अब हमें लैंड टू लैब करना है, लैंड से सीख के लैबोरेटरी में उसको डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी उसको नया बनाना है, शार्पन करना है। और फिर जी शर्मा साहब, वो तो पॉइंट आप बता ही रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो काम अभी तक हो रहा है उसका नतीजा कितना आया है, क्या बीटी कॉटन के इस्तेमाल से या और भी जहां कहीं हमने इन नए बीजों का इस्तेमाल किया, उससे उत्पादकता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? देखिए, पहली बात तो यह है कि बीटी कॉटन के बीज से उत्पादकता नहीं बढ़ती, वो एक गलत भ्रम पैदा किया गया है। क्योंकि होता यह है कि बीटी कॉटन जो है वो इट इज लाइक ए बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है वो क्रॉप लॉसेस को कम करती है लेकिन साइंटिफिक तरीके में उत्पादकता नहीं बढ़ाती है। अगर बीटी कॉटन बढ़ाती है तो फिर केमिकल पेस्टिसाइड ही बढ़ाते हैं। क्या हम ये मानते हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड उत्पादकता बढ़ाते हैं? नहीं बढ़ाते, वही काम जो है वो बीटी कॉटन करती है। जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि वो जेनेटिक ब्रेक थ्रू जो है वो कैसे आएगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर हम ऑर्गेनिक ब्रीडिंग में जाएंगे, ऑर्गेनिक रिसर्च में जाएंगे, ऑर्गेनिक प्लांट ब्रीडिंग करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन और बढ़ती है, लागत बहुत कम होती है और पर्यावरण भी सेफ रहता है। वो एक रास्ता हमें अपनाने की जरूरत है। ओके, जाखड़ साहब, आखिर में आपकी राय, किस हद तक आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसानों ने वाकई में किया है हाल के दिनों में, और क्या आगे की कौन से माइलस्टोन हैं जो आप सेट करना चाहेंगे? हमारे हिसाब से हर नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है इस देश को, और हमें पुरानी जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनकी भी जरूरत है। कोई ऐसी एक टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें हमारी नैया पार करा सके, हमें हर चीज का मिश्रण करना पड़ेगा और तभी हमारी समस्याएं जो देश की है वो तभी खत्म होंगी। और हमें फिर से यहाँ में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, शायद तकनीकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा, और
हालांकि हम देख रहे हैं कि फिलहाल टेक्नोलॉजी का जो नतीजा अब तक खेती में निकल कर सामने आ रहा है वो मिला जुला सा है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। और एक राय जो हमारे एक्सपर्ट्स की निकल कर साफ तौर पर आई है वो ये कि केवल विदेशी तकनीक को या केवल आधुनिक तकनीक को लेकर नहीं चलें, लेकिन अगर अपने पुराने जो रिसोर्सेज हैं उनका भी इस्तेमाल करें। और शायद जैसे कि हमारे कुछ किसान भाई जिनकी राय हमने आपको दिखाई, वो मानते हैं कि गांव तक जो रिसोर्सेज पहुंच रहे हैं उतने में ही उनको अपना काम निकालना है, और वहां पे शायद अपने देश में विकसित की हुई तकनीक या अपने संसाधन कहीं ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। जाकर साहब और शर्मा साहब, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि इस चर्चा से ज़रूर देखने वालों को फ़ायदा होगा और हम एक नई एक ऑप्टिमल मिक्स लेकर के टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ते हुए फिलहाल देखेंगे। लेकिन आज किसानों को लेकर जो हमारी पेशकश है वो आगे जारी रहेगी, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। खेती से जुड़े हुए हर मुद्दे पर और खास तौर पे उसके व्यावसायिक पहलुओं पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब बने रहिए CNBC आवाज़ पर।